तो इस लास्ट वीडियो में एक पोल रखा था जहाँ पर मैंने बताया था आर यू इंटरेस्टेड अबाउट प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने ही कहा है हाँ हम चाहते हैं प्लेलिस्ट। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ पर कमेंट भी किया है। उसके साथ साथ मुझे एक दो दिन पहले से ही, मतलब जिस दिन मैं उस वीडियो को एडिट भी कर रहा था उस दिन से ही मुझे एक दो फ़ोन आ गया था जहाँ पर बोल रहा था कि प्लेलिस्ट के ऊपर वीडियो बनाए। तो प्लेलिस्ट के ऊपर वीडियो फिर से लेके आ गया, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है और यूजफुल भी होने वाला है। तो वीडियो देखते रहिए पूरा एंड तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो यहाँ पर गाइस कुछ नहीं, गाइस यहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप पे जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर कोई लैपटॉप नहीं है या पर डेस्कटॉप नहीं है तो यहाँ पर कोई भी परेशान होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप क्रोम को या फिर ब्राउज़र, मतलब जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, क्रोम ब्राउज़र हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, तो यहाँ पर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उस ब्राउज़र का जो यूट्यूब है उसको डेस्कटॉप मोड पर ऑन करना है और बाकी सारे जितने भी काम है वो एकदम ही एक जैसा ही है। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहे जरूर एंड तक। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आई एम अभिजीत पांडे वाचिंग टेक टक यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस नया वीडियो में सभी लोगों को बहुत वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, और आपका अगर किसी यूट्यूब चैनल है तो यह चीज़ तो आपको यूज़ करना बनता ही है, तो फटाफट से अपना यूट्यूब चैनल पर भी यूज़ कर लीजिए। और बात करते हैं प्लेलिस्ट करने से क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर गाइस बता दूँ प्लेलिस्ट करने से आपका जो टोटली वीडियो है यहाँ पर अच्छा खासा एक ग्रोथ, व्यूज़ के ऊपर एक ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है प्लेलिस्ट में, क्या यहाँ पर सुविधाएं होता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए किसी भी एक वीडियो किसी बंदे ने देख रहा है उसके नीचे जरूर आता है एक सजेस्टिव वीडियो। अब सजेस्टिव वीडियो कुछ नहीं गाइस, अगर आप मेरा वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हो तो वहाँ पर क्या है जो मेरा वीडियो के नीचे बहुत सारे वीडियोज है तो उन सभी को कहा जाता है सजेस्टिव वीडियो, और जो वीडियोज का लिस्ट है उनको ही कहा जाता है सजेस्टिव लिस्ट। उसका सामने जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट जो अगर उसके सामने आता है तो हो जाता है वहाँ पर, अगर बंदे ने क्लिक करता है तो काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पर देखने को मिल जाता है। या फिर समझिए आप किसी ने और किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो आपका जो प्लेलिस्ट के अंदर दे रखे है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका वीडियो और भी ग्रोथ होगा। कैसे बोलता हूँ, अगर उस वीडियो अगर उस कोई किसी भी बंदे ने देख रहा है तो उसका सजेस्टेड लिस्ट में वो आपका जो प्लेलिस्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो के यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है इसलिए वो प्लेलिस्ट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बंदे ने उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर लिया, अब क्लिक करने के बाद क्या होगा उसके नीचे आपका सभी वीडियोज देखने मिल जाएगा, तो एक एक करके वो उस बंदे ने देख सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पर बात आते हैं आपका जो ऑडियंस रिटेंशन, जो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर, मैंने जो ऑडियंस रिटेंशन वाला जो भी टिप्स मैंने बताया था उस टिप्स अगर यूज करते हो तो वहाँ पर आपका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका चैनल का जो बूस्ट वो काफ़ी तेजी से होने लगेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइस। लाइक मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर 20 लाइक मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर 20 लाइक आप फटाफट से पूर्ण कर लेना। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को देखते रहे जरूर एंड तक। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमको तो यहाँ पर क्रोम को ऑन कर लेना पड़ेगा, तो क्रोम ऑन कर लेने के बाद हमको यूट्यूब को ऑन कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब ऑन हो चुका है, ये है मेरा फ्रंट पेज मतलब होम पेज। तो हमारे लोगों के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जाना है हमको स्टूडियो के तरफ। तो स्टूडियो ऑन हो चुका है, तो अब हमको स्टूडियो का जो दौड़ता हुआ इंसान वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि ये था बीटा वर्जन में, हमको जाना है क्लासिक वर्जन पे। उसके बाद हमको सबमिट करना है, उसके बाद ये इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे क्लासिक वर्जन पे जाना है, तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को सिखाई दे रहा हूँ कैसे जाना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हमारा क्लासिक वर्जन ऑन हो चुका है, आप लोगों के सामने एक पेज खुल जाएगा, ये है क्लासिक स्टूडियो। तो यहाँ पर जिस वीडियो को ऊपर करना चाहता है वहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पर जाकर देख सकते हो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, दो प्लेलिस्ट के अंदर मेरा वीडियो दे रखा हूँ पहले से ही, और भी मैं प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी रखूँगा, और जो नया भी है कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल दिखा दूँगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्लेलिस्ट अभी भी है, तो यहाँ पर हमको सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्लेलिस्ट, क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमको और उसका टाइप कर देना, उसका क्या नाम लिखने वाला है क्या करने वाला है उसको हम सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जाना है सबमिट, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, रिएक्शन भूल लिख दिया गया। तो यहाँ पर हमको जाना है सबमिट के ऊपर, तो ये हमारा जो प्लेलिस्ट इसके अंदर अटैच हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो एसी रिएक्शन इक्वल्स टू टेक चेक, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हूँ, बाकी सारे को भी यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव को ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर सिंपली मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये वीडियो तो मेरा ही प्लेलिस्ट के अंदर चला गया ही है।
और वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर भी रह जाएगा। और बाकी सारे वीडियोस भी कैसे उस प्लेलिस्ट के अंदर देना है वो भी सिखा दूंगा। और एक वीडियो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो कि यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि मेरा था पावर बैंक वाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। जितने भी वीडियोज़ मैं दिखा रहा हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और सिंपली ऐसे ही एक फिर से एक पेज ऑन हो चुका है, यहाँ पर फिर से हमको जाना है प्लेलिस्ट का ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर क्लिक कर देना है हमको। और यहाँ पर जाकर हमको उस वाले जो एसी रिएक्शन इक्वल्स टू टेक्सचर, मतलब एक ही तो बंदा है इसलिए मैंने यहाँ पर एसी रिएक्शन इक्वल्स टू टेक्सचर वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर हमको फिर से सेव कर देना है। तो ये दोनों ही मेरा हमारा जो वीडियो था उस प्लेलिस्ट के अंदर अटैच हो चुका है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ईजी था, तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी यूजफुल है। और आपका अगर किसी यूट्यूब चैनल है तो ये चीज़ तो आपको यूज़ करने बनता ही है, तो फटाफट से अपना यूट्यूब चैनल पे भी यूज़ कर लीजिए। और तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। लाइक मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर 20 लाइक मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर 20 लाइक आप फटाफट से पूर्ण कर लेना। तो चलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।